हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं 9.5 का क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें बेटा आपको बोला गया है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। आपको जो गिवन कंडीशन है उसके ऊपर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे dy/dx की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस यहाँ पे y अपॉन एक्स माइनस कोसेक y बाय एक्स। ठीक है, तो बच्चे ऑलरेडी हमारे पास ये होमोजेनियस फॉर्म है। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। तो ये आ जाएगा एक्स v, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx। ओके बेटा, तो ये आ गया। अब dy/dx की वैल्यू पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ dy/dx इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास v प्लस x dv/dx, ये v माइनस cosec v। ठीक है, तो v से v कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास dv, और cosec v इधर आके क्या हो जाएगा, वो cosec ही रहेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और माइनस है साथ में, और ये आ जाएगा dx अपॉन x। इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ऊपर चला जाएगा cosec का क्या हो जाएगा, sin v dv, और ये आ जाएगा log x प्लस c। तो ये आ जाएगा आपके पास cos, sin का होता है माइनस cos, तो बट माइनस ऑलरेडी लगा है तो cos v आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास log x प्लस c। अब आप वैल्यू पुट करेंगे v की, तो वो आ जाएगा cos y by x इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो यहाँ पे हमें दिया गया है y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप लिखेंगे when y इज इक्वल टू ज़ीरो x इज इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा cos 0 by 1 इज इक्वल टू log 1 प्लस सी। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा cos 0 क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू ये आ गई, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos y by x इज इक्वल टू log x प्लस सी, 1 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा cos y by x इज इक्वल टू log x प्लस log e, तो ये आ जाएगा cos y by x प्लस log x प्लस e, तो दिस वन इज आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू। यहाँ पे बेटा x प्लस e की बजाय क्या आएगा, एक्स ई। ठीक है, क्योंकि प्लस थोड़ा ना आएगा, मल्टीप्लाई होगा ना वो। ओके, थैंक यू।